तो वही देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयुक्त का बयान सामने निकल कर आया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं तैयारी, सभी बूथों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त है। राजीव कुमार की तरफ से कहा गया, वोटर्स के लिए पेयजल पंखे सहित सभी व्यवस्थाएं, कहीं से भी हिंसा की कोई सूचना नहीं है। सुरक्षा को ध्यान में रखकर सभी बूथों पर फोर्स तैनात की गई है। राजीव कुमार की तरफ से ये भी कहा गया कि हम पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, सभी बूथों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त है। तो पेयजल पंखे सहित भी तमाम व्यवस्थाओं का जिक्र उन्होंने किया है, सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है, उन्होंने ये बात भी कही। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। आज के चुनाव के लिए बहुत तैयारियां की हमने, पिछले 2 वर्षों से तैयारियां कर रहे हैं। सारे बूथ पे तैयारी है, उन्हें सजाया धजाया गया है, वहाँ सारी सुविधाएं गर्मी के हिसाब से देखते हुए वोटर्स को मिलेंगी, जिसमें पीने का पानी भी है, शौचालय भी है, शामियाना भी है, पंखा भी है। बस जरूरत है कि वोटर्स को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना है। सभी तैयारियां हैं, पीसफुल मिलेंगी, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है, आज सबको मतदान करने जरूर आना है। पहली बात तो सुरक्षा की समस्या कहीं आपको देखने को ही नहीं मिलेगी, इतनी तैयारियां हमने की हैं, मतलब बहुत दिन से तैयारियां की हुई हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सारे SP, सारी हमारी टीम्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट पुलिस, सब इस बारे में सजग हैं और वोटर्स भी अपने आप में सजग हैं। आज के चुनाव के लिए बहुत तैयारियां। वही देखिए, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, नोएडा में 3 बूथों पर EVM खराब हो गई है। नोएडा के सेक्टर 12 में EVM बूथ खराब हुई है, EVM और बूथ संख्या 93 पर EVM खराब हुई है। JP सोसाइटी में बूथ नंबर 726 पर भी EVM खराब हुई है। वोटिंग करने पहुंचे लोग हो रहे हैं परेशान, खराब EVM को सील कर जोनल मजिस्ट्रेट लेकर गए हैं, ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो गौतम बुद्ध नगर से ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, नोएडा से, जहां पर 3 EVM मशीन्स खराब हुई हैं, 3 बूथों पर EVM खराब हुई है। सेक्टर 12 में EVM खराब हुई है और बूथ नंबर 93 पर EVM खराब हुई है। नवनीत राणा तस्वीरों में देखी जा सकती हैं। आपण बाहेरच करू, माझी आईचं तुम्हाला घ्यायचं होतं म्हणून। तो देखिए, नवनीत राणा जो बेहद उत्साहित नजर आ रही थी, अमरावती से BJP की उम्मीदवार हैं और ऐसे में बड़ों का आशीर्वाद लेती हुई नवनीत राणा। 4 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से आपका परिचय करवा देते हैं उनसे। अमृतांशु राय जी वरिष्ठ पत्रकार, फिरोज भक्त जी राजनीतिक विश्लेषक, रत्नाकर सिंह जी BJP नेता और पूजा त्रिपाठी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ, चारों मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं भारत एक्सप्रेस में आप चारों का स्वागत करूंगी और सबसे पहले अमृतांशु जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि मुद्दे जो होते हैं वो बेहद अहम हो जाते हैं अगर हम चुनावों का जिक्र करते हैं। तो क्या लगता है, राष्ट्रीय मुद्दे इस बार चुनावों में हावी दिखेंगे या फिर क्षेत्रीय मुद्दे? देखिए, 3 बातें हैं महत्वपूर्ण, इनफैक्ट 4। एक सबसे महत्वपूर्ण 3 मुद्दे, तुष्टिकरण की राजनीति एक, दूसरा वामपंथी दलों से जुड़े हुए उनके विचारधारा की राजनीति, और तीसरा परिवारवाद। ये तीनों के तीनों इन मामलों पे अगर कांग्रेस ये सोचती है कि वो बार बार BJP पे हमला करती रहेगी और BJP के तरफ से पलटवार नहीं होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। एक, दूसरा जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का है और उनके नेता का मामला है, प्रधानमंत्री मोदी जो कि उम्र में 20 साल ज्यादा हैं राहुल गांधी से, वो एक दिन में लगातार निरंतर एक एक दिन में 3-3 रैलियां कर रहे हैं और 1 से 2 रैली करने में भी राहुल गांधी इस गर्मी में हालत पस्त हो रहा है, ये सबको नजर आ रही है ये बातें। पूजा त्रिपाठी जी जवाब दें। अमृतांशु जी, राहुल गांधी की पस्त हालत पे बहुत कमेंट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी 3-3 रैलियां कर रहे हैं, पर प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि वो आपका मंगलसूत्र, प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों से सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। पहला संसाधनों पे पहला अधिकार मुस्लिमों का है, कोरा झूठ। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का भाषण पब्लिक डिस्कोर्स में कई बार फैक्ट चेक हो चुका है, मैं नहीं दोहराऊंगी। दूसरी बात, वो आपका मंगलसूत्र ले लेंगे। आप मंगलसूत्र और सोने की बात करते हैं, जब महामारी आई थी इस देश में तो आर्थिक प्रबंधन और आपकी अक्षमता से इस देश की महिलाओं ने बैंकों में 10,000 करोड़ का कोलैटरल कर्ज लेने के लिए, सरवाइव करने के लिए कर्ज लेने के लिए दिया था। आपने जो रातों रात GST डिमोनेटाइजेशन कर दिया था, आपने लोगों के घरों में घुसकर
उनका सोना और उनका उनके मंगलसूत्र, जो आप बार बार मंगलसूत्र की बात करते हैं, वो छीन रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी हैं जो जो सिर्फ डरा रहे हैं लोगों को, ना कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। प्रधानमंत्री जी अपने मैनिफेस्टो की बात क्यों नहीं करते? तो अपने मैनिफेस्टो की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके 46 पेज के मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री जी की 70 फोटो है, डिफरेंट पोजेस में, डिफरेंट तरीकों में। पूजा जी, इस पर जरा रत्नाकर जी की प्रतिक्रिया ले लेते, फिरोज जी मैं आऊंगी आपके पास। रत्नाकर जी, देखिए पूजा जी, लाख इसको झुठलाने की कोशिश करें और कहने की कोशिश करें कि कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है, तो यह देश की जनता को डाइजेस्ट होने वाला नहीं है। अब पूजा जी ये बता दीजिए कि धर्म आधारित जो संविधान से परे है, धर्म आधारित जो है आरक्षण देने की कवायद कौन करता है? कौन कहता है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को? ओम बिरला, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार ओम बिरला। और देखिए स्याही लगी हुई उंगली और उतनी ही मुस्कान उनके चेहरे पे जैसा कि हमेशा रहती है। ओम बिरला अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। रत्नाकर जी बात पूरी करें। जी वही मैं स्वाति जी यही कह रहा था कि धर्म आधारित जो है राजनीति और तुष्टिकरण की राजनीति जो है वह कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती आ रही है। देखिए इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कितना क्लियरली जो है ये स्पष्ट रूप से। अच्छा रत्नाकर जी, कौन सी पार्टी ऐसा नहीं करती है? मैं जानना चाहूंगी इसका जवाब फिरोज जी से। मैं आपको जवाब दे देता हूँ ना। हाँ। देखिए क्या है स्वाति जी, आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश को अगले 25 साल के लिए जो रोड मैप बना के तैयार की है वो विकसित भारत का रोड मैप बना करके तैयार करती है। और आज हम बात करते हैं विकास की और देश को आगे बढ़ाने की। हमने 10 साल में जो काम किए हैं वो चौवर विकास किए हैं, सर्वांगीण और समावेशी विकास किए हैं, उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट रिलीजन हमने सबको विकास में सहभागी बनाया है और सबको चीजें दिया है। लेकिन आज देखिए कांग्रेस पार्टी क्या करती है, ये अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि जब हम आएंगे सत्ता में तो हम बहुसंख्यक वाद खत्म करेंगे और अल्पसंख्यकों को सहूलियत देंगे। क्यों भैया? ओम बिरला जी की प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं। बीजेपी देश में एक मजबूत स्थिर मैं कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक मजबूत नेतृत्व और निर्णायक सरकार जिसने इस देश को आगे बढ़ाया है और हमारे सामर्थ्य को बढ़ाया है, दुनिया में भारत की ताकत को बढ़ाया है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मतदान करने निकले। और मुझे कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के रूप में एक बेटे एक भाई के रूप में आशीर्वाद दें, अधिकतम मतदान करें, ये मैं मतदाताओं से अपील करता हूँ। मंदिर के दर्शन किए, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त किया, अब जनता के आशीर्वाद के लिए निकला हूँ। तो देखिए कोटा से बीजेपी उम्मीदवार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और लगातार तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए। फिरोज जी देखिए, रत्नाकर जी ने भी बोला, पूजा जी ने भी बोला कि हम तुष्टिकरण की धर्म की राजनीति नहीं करते, परिवारवाद की राजनीति नहीं करते। जरा आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सर। जी जी, पूजा जी आऊंगी पहले फिरोज जी को सुन लेते। देखिए ऐसा है, जहां तक तुष्टिकरण की राजनीति का सवाल है, वो तो हमने देखा 55-60 साल से कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति करी। अब हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है तो मैं कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को कांग्रेस ने एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनके मोहल्लों में क्रीड़ांगन, उनके मोहल्लों में जो है डिस्पेंसरीज खोलनी चाहिए थी, स्टेडियम खोलने चाहिए थे, स्कूल खोलने चाहिए थे। फिरोज जी माफी के साथ आपको रोक के इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट जो है दर्शकों तक पहुंचा दें। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सुबह 9 बजे तक के मतदान प्रतिशत सामने निकल कर आ गए हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 13.82% तक वोटिंग दर्ज की गई है। बिहार में सुबह 9 बजे तक 9.65% वोटिंग जो है दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में सुबह 9 बजे तक 15.68% वोटिंग दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में 15.42% मतदान हुआ है। राजस्थान में 9 बजे तक जो मतदान प्रतिशत आपकी टीवी स्क्रीन पर, महेश शर्मा कुछ बोल रहे सुन लेते हैं। मैं एक प्रधानमंत्री के रूप में और मैं समझता हूं उनके विश्वास के प्रति, मोदी जी के जो हमारे कार्य किए हैं उन्होंने गरीब कल्याण के, उनको सम्मान देते हुए और साथ में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन को देखते हुए आज ऐसा इतिहास लिखा जाने वाला है इस बार
कि जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हमारे मार्ग प्रशस्त करेगा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। और आज मैं सबको बधाई भी देता हूँ, सब देशवासियों को भी, और उनसे अपील भी करता हूँ कि मतदान आपका अधिकार है। आप तो बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा जिनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई, अब देखिए वोटिंग प्रतिशत भी सामने निकल कर आने लगे हैं। 9 बजे तक के आंकड़े निकल कर आ गए हैं तमाम राज्यों से जो आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत एक्सप्रेस पहुंचा रहा है। मध्य प्रदेश में 9 बजे तक 13.82% वोटिंग हुई है और बिहार में 9.65% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 15.68% वोटिंग हुई है। इसी के साथ ही देखिए छत्तीसगढ़ में सुबह 9 बजे तक 15.42% मतदान हुआ है। राजस्थान में सुबह 9 बजे तक 11.77% वोटिंग हुई है। यूपी में सुबह 9 बजे तक 1.67% वोटिंग हुई है। इतने कम प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सामने निकल कर आ रहे हैं जहां पर 1.67% वोटिंग दर्ज की गई है। 9 बजे तक के आंकड़े सामने निकल कर आ गए हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद जनता में जो उत्साह है वो अब बढ़ता हुआ, जो जनता का जोश है वो अपने मताधिकार के प्रति, अपने वोटिंग राइट्स के प्रति हाई नजर आ रहा है। और देखिए तमाम जो नेता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों में बेहद उत्साह नजर आ रहा है। आदर्श पोलिंग बूथ्स की तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है और ये कतारें, ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जिस बात का हम सुबह से ही जिक्र कर रहे हैं कि जो वोटर्स हैं उनमें जागरूकता नजर आ रही है मतदान के प्रति, क्योंकि पहले चरण में कुछ कमी जो है वोटर्स में उनके उत्साह में नजर आ रही थी। और देखिए ये नॉर्थ ईस्ट की सीट मुझे लग रहा है सामने निकल कर आ रही है जहां पर किस तरह से वहां पर लाइन लगी हुई है ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। अब देखिए अमरोहा लोकसभा सीट का समीकरण भी जो है हम आपको बता रहे हैं, मुरादाबाद जिले का एक हिस्सा हुआ करता था अमरोहा 2019 में। अमरोहा लोकसभा सीट का समीकरण क्यों बता रहे हैं, 2019 में इन 8 सीटों पर यही एक सीट थी जिस पर बीजेपी हारी थी, बाकी 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं देखिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं जो लगातार तमाम मुद्दों को लेकर, बातों को लेकर अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। अमृतांशु राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिरोज बख्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रत्नाकर सिंह जी, पूजा त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमृतांशु जी देखिए वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आए हैं, मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। पहले चरण का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो इस 9 बजे तक के आंकड़े थोड़े कम हमें पहले चरण में नजर आए थे, लेकिन दूसरे चरण में ये आंकड़े जो है बढ़ते हुए इजाफा होता हुआ इसमें नजर आ रहा है। बोल इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें सर। देखिए पहले चरण के तुरंत बाद इस बात की चिंता जाहिर की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और हाँ। उसके बाद मुद्दों पे वो आक्रामक हुए थे और उन मुद्दों को लेकर के वो लोगों के बीच में गए थे। वो कारण एक अनुमान लगाया जा रहा था कि ये अपने कैडर को और अपने वोटर को और प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वो निकल निकल करके वोट करें, और उसका असर इन इलाकों में नजर आ रहा है। 2-3% का इजाफा है पहले चरण के कंपैरिजन में, एक महत्वपूर्ण बात। दूसरा जो मेरे को पैनलिस्ट थे फिरोज बख्श साहब, उनकी बात अधूरी रह गई थी और उनकी बात सुनना हम सब के लिए जरूरी है क्योंकि वो बहुत ही एनलाइटेंड सोल हैं और उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी पिछले बार, वो बात कृपा करके मैं सुनना चाहूंगा। बिल्कुल हम जुड़ने की कोशिश करेंगे फिरोज बख्त जी से, फिलहाल हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन रत्नाकर साहब मैं आपके पास आऊंगी। सुबह सुबह प्रधानमंत्री की तरफ से जो अपील की गई थी ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें, नारी शक्ति से भी, युवा आबादी से भी अपील करते हुए नजर आ रहे थे, ये वोटिंग परसेंटेज देख के आपको क्या लगता है इस अपील का असर जो है ये देखा जा रहा है क्या? निश्चित रूप से स्वाति जी, देखिए लोकतंत्र को अगर मजबूत बनाना है और लोकतंत्र के पर्व को अगर उत्साहपूर्वक अगर मनाना है तो घर से बाहर निकल करके और वोट करना पड़ेगा, और वोट करके अपने दायित्व का निर्वहन जो है वो करना चाहिए सारे मतदाताओं को। तो प्रधानमंत्री जी ने वही बात की है कि ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकलिए मतदाताओं को और वोट करने का काम करिए, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है और सबकी जवाबदेही और जिम्मेदारी भी। बिल्कुल, और देखिए ये एक पोस्ट राहुल गांधी की तरफ से भी किया गया था। और अब देखिए अशोक गहलोत अपने परिवार के साथ तस्वीरों में देखे जा सकते हैं,
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तस्वीरें उनके परिवार के साथ इस बार चुनावी मैदान में उनके बेटे वैभव गहलोत हैं और तमाम तस्वीरें भी है दिग्गजों के सामने निकल कर आ रही है जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे। लगातार पैनल हमारे साथ मौजूद है। पूजा जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए तमाम पार्टियां जिस तरह से आप भी जिक्र करती हैं कि हम धर्म का मुद्दा नहीं लेकर चलते, जाति का मुद्दा लेकर नहीं चलते, फिर आपने जातीय जनगणना का जिक्र क्यों किया? घोषणा पत्र में न्याय का जिक्र आप करते हैं, दूसरी तरफ देखिए घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी का जिक्र जो है वो बीजेपी करती नजर आ रही है। स्वाति जी अभी एक पैनलिस्ट ने कहा कि हम बहुसंख्यावाद को खत्म कर देंगे और ऐसा कुछ नहीं लिखा है मैनिफेस्टो में, मैं बार बार कह रही हूँ। दूसरी बात धर्म की राजनीति की बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी जालौर में उसके बाद के सबसिक्वेंट राजनीतिक रैलियों में भी जो देश की मुस्लिम आबादी को घुसपैठिया कहते हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन है, वो प्रधानमंत्री पद, वो सिर्फ हमारे और आपके प्रधानमंत्री नहीं, वो 15% जो मुस्लिम आबादी है इस देश की उसके भी प्रधानमंत्री है, अगर वो उनको कॉर्नर करते हैं और वो इतनी इतनी मेजर हेट स्पीच देते हैं कि वो घुसपैठिए हैं, बच्चे हैं, तो धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? वही उसके बरक्स कांग्रेस कर रही है न्याय की बात। आपने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात की तो न्याय की पूजा जी क्या कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के लिए बाकी नेताओं के लिए अब शब्दों का प्रयोग नहीं करती? यही वजह है कि चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस गया है कांग्रेस पार्टी को भी। चुनाव आयोग की तरफ से प्रधानमंत्री जी एक नफरत भरी स्पीच देते हैं, घुसपैठिया कहते हैं, बच्चे पैदा करने की मशीन, आपके मंगलसूत्र ले लेंगे, आपका घर ले लेंगे, राहुल गांधी मोहब्बत फैला रहे हैं और वही राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं। हम युवाओं को न्याय की बात करें, प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी पर कोई रोडमैप नहीं देते, प्रधानमंत्री जी महंगाई पर कोई रोडमैप नहीं देते, प्रधानमंत्री जी महिला सुरक्षा की बात नहीं करते, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो सावन में मछली खाते हैं, वो मटन खाते हैं, वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, उनको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की झलक दिखाई देती है। मेरा ये कहना है कि देश के प्रति, देश के जो 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है उस पे युवाओं के न्याय की बात क्यों नहीं हो रही है? आज जो हमारा घर चलाना मुश्किल हो गया, हमारी थाली सिकुड़ती जा रही है, उस पे महंगाई पर न्याय की बात क्यों नहीं हो रही है? जो महिलाओं पर 32% अपराध बढ़े हैं उस पे महिला सुरक्षा की बात क्यों नहीं कर रही है? आज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में महिलाओं की भागीदारी 19% पे सिमट के रह गई है, वही मर्दों की तकरीबन 80% है। ये जो पूरा गैप है इसको भरने की बात क्यों नहीं की जा रही है? हमें अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पे एलपीजी प्राइस में 100 रुपए की कटौती नहीं चाहिए। बड़ा सारा डेटा दिया है पूजा जी ने, रत्नाकर जी इस पर जवाब दे। नहीं, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मैनिफेस्टो की बात कह रहे थे पूजा जी को, शायद अपना मैनिफेस्टो फिर से रीरीड करना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट तौर से उसमें लिखा गया है कि बहुसंख्यकवाद को खत्म करने की बात कही गई है और अल्पसंख्यकों को जो है सहूलियत देने की बात कही गई है। तो निश्चित रूप से इनका मैनिफेस्टो जो है कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि ये तुष्टिकरण की राजनीति करती है और एक विशेष समुदाय के लिए राजनीति करती है, उन्हीं के मुद्दों पे बात करेंगी, बहुसंख्यकवाद पे बात नहीं करेंगी, उनको खत्म करने की बात करेंगी। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा जो ये महिलाओं के बारे में कह रही थी, आज मैं स्वाति जी बताना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए और महिलाओं का रुझान और प्यार जो है इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ही है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया, उन्होंने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जो है वह लागू किया है उन्होंने। आप सोचिए जो महिलाओं इतने सालों से जो पेंडिंग करके कांग्रेस पार्टी रखती थी उसको लागू करने का काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया ना। और जो तीन तलाक जैसे कुप्रथा को खत्म करने के का काम किसने किया है? वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लाडली बहन योजना जैसे तमाम योजनाएं राज्यों में आज जो है चालू है, उनमें पैसा जो है महिलाओं को देने का काम कौन कर रहा है? हर महीने महिलाओं को जो है उनको आर्थिक सशक्तिकरण करने की काम बात की जा रही है, तो नारी सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण की का काम कोई कर रहा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और तमाम ऐसे योजनाएं हैं, मैं बता दूं आपको स्वाति जी, जिसमें महिला सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी साबित हुई है, उनको सबसे ज्यादा लाभ मिला है। आज जो मुद्रा योजना है या स्वनिधि रोजगार योजना है उसमें अगर लोन की बात कहनी जाए या आर्थिक रूप से मदद लेने की बात कही जाए तो महिलाओं की प्रतिशत बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दर्शाती है कि इनके झूठ और प्रोपेगेंडा से महिलाएं जो है वह इनके झांसे में आने वाली नहीं है। महिलाएं निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद
प्रधानमंत्री मोदी जी को अच्छा देने बिल्कुल जा रही और देखिए पोलिंग बूथ पे महिलाओं की जो लाइन है वो दर्शाती है कि महिला जो जो वोटर्स हैं वो कितनी जागरूक नजर आ रही है, किस पार्टी को चुनती है वो तो 4 जून को पता चलेगा।